अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास दानों के अवगुण का
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु। इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भूनातु सेवीर्यं करवा ते जपिनौ अधीतमस्तु मा विद्विषाः। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। पावन कार्तिक मास मुबारक। पावन कार्तिक मास मुबारक मुबारक मुबारक। इसी उपलक्ष्य में प्रभु जी हम ये पावन आहुतियां बारहवें अध्याय के आपको प्रदान कर रहे हैं, स्वीकार कीजिए। अर्जुन उवाच। एवं सत्युक्ता ये भक्ता त्वं परिपास्ते ये चापि अक्षम आव्यक्तम ते शाम के योग वित्तमा जो ईश्वर भक्ति में। हरि ओम तत्सत् श्री भगवानुवाच। मय्य वैष्णवाय माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धा पर्यापेता ते मे युक्त माता हुए सुन के भगवान यू। प्रेम से बोलो हरि ओम तत्सत् ये तो अक्षमर्देशं व्यक्तं परिउपास्ते सर्वत्र गाम चिंतन चे कूटस्थम अचलम ध्रुवम मगर वो जो पूजे कपि। जो हाजर नाजर और बेगजनरियों तत्सत् संयमिंद ग्रामं सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूति ते राता हवा सपने काबू में। हर एक की भलाई से मसरूर हो मुझी से वो वासल न मजूर हो। हरि ओम तत्सत् क्लेशा दिक्रा तेचा व्यक्त सच्चे सब अव्यक्ता ही गति दुखम देवद्भी अवाप्यते जो जाते खपी में। हरि ओम तत् ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्ता उपास्ते जो आमाल स मुझ पे। परस्तिस मेरी बादिलो जा करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए फकत मेरे ही ध्यान में दिल। हरि ओम तत् तेषा माम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय वेश चेत सा मैं करता हूँ अर्जानुने। तनासक पानी समुन्दर से पार दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से निजात अपनी पाते। हरि ओम तत्सत् मयि मना दत्ते मयि बुद्धि निवेशिये निवशिष्यति मयि वता ऊर्ध्वम न संशया लगाए तो मुझ में दिल। तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम तू पाएगा मुझ में के आमो दवा। हरि ओम सत्चित्तम समाधा तुम न शक्नोसी मयि स्थिरम अभ्यासेन योगे तथा माम इच्छा तुम धनंजय जो कायम न तो रख सके।
इसी योग से ढूंढे अर्जुन वसल हरिओम मत कर्म परमा भाव मदर्थम अपी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि जो अभ्यास के होना तो फिर मेरी खातिर सब आमाल कर मेरे वास्ते ही जो आमल तो आमाल से मर्दे कामिल हो तू हरिओम कर्तुम अधियोगम आश्रिता सर्व कर्म पाल त्यागमता कुरु यत आत्म रियाजत में भी गर्त तो रख दिल पे काबू किए दायमल किए दायमल छोड़ दे उन हरिओम से आई ज्ञानम व्याता ज्ञानम ध्यानम शिक्षते ध्यानात कर्म पाल त्यागा त्यागा शांति अनंतरम के अफजल है अभ्यास कतर के समर जान से भी पजू कि तर के समर से वो पौरन सकू हरिओम अध्यष्टा सर्वभूता नाम मैत्रा करुणा एवच निर्ममा निरहंकारा सम दुख सुखाक्षमी वो इंसान जो सुख दुख में जो हर एक का गम दर्द गम कार गए किसी का न वैरी वो बख्शे खुदी से भी दूर और ताल्लुक से दूर हरिओम संतुष्टा सत्यम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि या मत भक्त सामे प्रिया जो चौकी जिसे खुद पे जो साबार है और आजम में उस त्यौहार दिलो अक्ल जो मुझ पे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम यशमा न उसे लोका लोका न उजे चाहिए हर समर्थ भय उद्वेग मुक्ता यश च मे प्रिया जो दुनिया को आजार जो दुनिया से आजार लेता नहीं बड़ी बुख जो ऐशो वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम अर्पेक्षा चीजक्षा उदासीना गत्वता सर्वरंभ परित्यागी यामद भक्ता सामे प्रिया जो चौक से बेलाग दुखों से मुबर्रा गए और पाक बार जो तरके जजा इब्तदा से करे वही गए मेरा भक्त प्यारा हरिओम या न रिश्यति न देशी न शोति न कांति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान या समे प्रिया मुसर्रत से भी दूर हमेशा जो भक्ति में शादा रहे वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम ससमा शत्रु समान अपमान्यो शीत उसने सुदुखे सुषमा संग विवर्जिता बराबर जिसे दोस्त न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी जिसे लगन हो किसी से न जिसकी लगी हरिओम सतुल निंदा स्तुति मौनी संतुष्टा किंचित अनिकेता श्रीमती भक्तिमान में प्रिया नारा बराबर जिसके लिए वो कम गौन जिसको गमो बेश कम कभी दिल का आजाद वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे हरिओम इदम यथा उक्तम परिपास्ते श्रद्धा नाम परम भक्ता हते अतीव मे प्रिया जो करते गए कायम ये यकीन से जो रखते गए सीनों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त गए सबसे प्यारे हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु इष्टदेव कृष्ण अर्पणमस्तु जगत गुरु कृष्ण अर्पणम अपनी पावन होती है अपने हाथों से बड़े आदर मान सत्कार चलिए समर्पित कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नामो भगवते वासुदेवाय प्रभु नामो भगवते वासुदेवाय अच्छा
प्रभु नामो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। तेरी गुड़ी ठीक हो गई। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मण जी प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ये पूरे भगवान शक्ति पूरे दिन का देना। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बैठो भाई। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो जय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णे रतियस्तु धर्मे मतियस्तु अजि कृष्णे रतियस्तु धर्मे
मती अस्तु। कृष्णे रति अस्तु। धर्मे मति अस्तु। कृष्णे रति अस्तु। धर्मे मति अस्तु। बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक उपस्थित गीता अनुयायी देवियों सज्जनों, प्रसाद प्राप्त कीजिए और इधर ज्ञान का प्रसाद भी लेते रहिएगा। लो बच्चे आप बैठ जाओ, अब मुझे मौका दो। इस कृपा के फलस्वरूप इस पावन दिवस से प्रारंभ कर रहे गए आज मुबारक हो पावन कार्तिक मास। पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय की अपनी महत्ता है मेरी देवियों मेरे सज्जनों। थोड़ी देर एकाग्र रहना, प्रसाद भी ले लो और एकाग्रता पूर्वक अपने मन का प्रसाद भी प्राप्त कीजिएगा। जैसे भक्ति योग की अपनी महत्ता है, भक्ति से भरपूर है वो अध्याय, इस तरह इसका भी विस्तार किया मेरे भगवान ने उपासना या भक्ति का 15वें अध्याय के अंदर बहुत ही निराले ढंग से। उस 12वें अध्याय में तो अर्जुन ने प्रश्न किया है ज्ञान और भक्ति में कौन सा मार्ग सरल है, लेकिन यहां नहीं, यहां तो भगवान जी अपनी ओर से बता रहे हैं एकाग्र रहना और कुछ लेके जाना। जो रोज आप तशरीफ लाएंगे भगवान आपको ताकत दें कि कोई बाधा ना आए, उत्साह बना रहे। आप ये 31 दिन, दो दिन इस महीने के 29 तारीख तक है, ये अगले महीने की 29 नवंबर तक ये 31 दिन बैठ जाती है। प्रभु शक्ति दें कि आप ये 31 दिन पूरे कर सकें और ये पुण्य आप कमा सकें जो आपके हर समय काम आने हैं, शरीर के बाद भी काम आने हैं। तो आइएगा तो हम ले अब 15वें अध्याय की बातें। जरूर जब भी आप यात्रा में प्रार्थना करते हो आगे बढ़ूंगा, कुछ ना कुछ ले करके, यहाँ का प्रसाद तो आपको मिलेगा ही, दूसरा प्रसाद भी ले करके कि मैं आई हूं यहाँ पर, मैं आया हूं तो कुछ भगवान का विचार लेके जाऊं, चाहे एक विचार चाहे दो विचार, और साथ ये भी पक्का इरादा करके मेरे भगवान शक्ति देख इसको अपना लेना है सारा ना सही, थोड़ा बहुत आजमाते। ये तो महीना भर में आप कितनी मेरे भगवान की बातें अपने अंतर्कण में रख लेंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। उधर भगवान जी देखिए क्या कह रहे हैं, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से बचा जाएगा। भगवान ने आपको वचन दे रखा दूसरे अध्याय के अंदर कि थोड़ा सा भी जो इसको अपने जीवन में ढालने अपना लेना, दैनिक जीवन में उतारना, ये होता है आपके पास रुपया है तो जरूरत पर खर्च कीजिए, ना कि बटुए में रह जाए, पर्स में ना रहे, बाहर निकालो उसे जरूरत समय। इसलिए ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लाइए, अपनी बुद्धि में, अपने मन में, अपने तन में, अपने दैनिक व्यवहार में, अपने बोलचाल में, उठने बैठने में, अपने सोचने विचारने में। ये भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं मेरी देवियों मेरे सजनों। लीजिए आप 15वें अध्याय में चलें और थोड़ा सा प्रसाद प्राप्त करते हुए आपने अपनाना है। ये मैं बार बार आपसे कहूंगा, गीता सुनने का तो बड़ा ही महात्म है लेकिन अपनाने का बहुत ज्यादा महात्म है। पक्का इरादा करो कि कुछ ना कुछ लेके जाना है, ऐसे खाली ना रह जाना। मेरे बच्चे से प्रसाद लिया और हवन किया वो तो पुण्य है ही, साथ ये भी तो पुण्य बटो लीजिएगा। ये सोने में सुगंधी हो जाती है या सोने पे मानो सुहागया काम कर गया जब ज्ञान आपने धर्म स्थान पे बैठ के सुना और फिर अपनाने का दृढ़ निश्चय किया। लीजिए गया क्या ले रही है, पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय। पुरुषोत्तम जरा नामकरण पर प्रकाश डालू, पुरुषोत्तम या इसमें यह बताया गया है कि सारी सृष्टि के अंदर नहीं, त्रिलोकी के अंदर ऊपर के देवलोक है जिसमें मैं और आप है, ये मृत्यु लोक है और नीचे पाताल लोक है, इन तीनों में अगर एकांत में बैठकर इतनी बुद्धि भगवान ने दी है उसके द्वारा अगर विचार करें, हाँ तो भगवान उत्तम है। अच्छा, पुरुष उत्तम, महाराज जी उत्तम ठहरते हैं। तो अब हमारे ऋषियों ने रिसर्च की, इसकी बड़ा भारी अनुसंधान किया कि त्रिलोकी में उत्तम किसे कहते हैं। ध्यान देना जरा और इसे बिठा लेना अपने मन में, जो भी बात विशेष बिठाने योग्य होगी मैं उस पर अनुरोध पूर्वक कहता चला जाऊंगा। अब उत्तम कौन, जरा ध्यान से सुनना, यह हमें बताया नहीं गया, माँ जी बताते, पिताजी बताते या पुरोहित बताते या स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी में इस पर प्रकाश डाला जाता तो हमारा मन कब का भगवान की ओर झुक गया होता। लेकिन कितनी अच्छी परिभाषा बताई माँ पुष्य ने, उत्तम कौन, हु इज द बेस्ट, या अफजल कौन है, आला कौन है, किसको हम आला कहें। लो क्या कहते हैं हमारी ऋषि अपने तप करके और जो भगवान से प्रेरणा लेकर के क्या कहा, सुनिए जरा ध्यान से। उत्तम वो होता है जो हमेशा रहे। अच्छा, तो इस संसार की तो कोई चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, जो भी हमें नजर आती है गोचर अपने दिन निश्चित करवा के लाई है। वो सोने देवियों
संसार चाहे आपको अच्छा लगता हो, चाहे बड़ा ही मनोहर हो, चाहे बड़ा ही हृदय आकर्षक हो, लेकिन ये है तो अनित्य। थोड़ी देर रह के इसने अपना काम करके चला जाना, जैसे हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, भगवान जी की वाणी सुनेंगे, कुछ पुण्य करेंगे, चल देंगे। इस तरह सारे प्राणी पदार्थ, कोई महीनों के लिए आया, कोई हफ्तों के लिए आया, कोई 6 महीने के लिए आया, कोई साल के लिए, कोई वर्षों के लिए आया, बस यहीं तक और चल दिया। चाहे एक पत्ती भी आपकी घास की है या वृक्ष का एक पत्ता भी है, थोड़ी देर के लिए मुकर्र है, उसके बाद अपने आप ही उसने गिर जाना है। थोड़ी सी वायु को झोंका है, पहले कितनी वायु आती है, नहीं गिरते। जब गिरने का समय आता है तो थोड़ी सी वायु चले और झुरमुर झुरमुर करते हुए नीचे गिर जाती है। वाह, तो ये मन में रखिए, ये सबके दिन मुकर्र है, ये बिठाइए अपने मन में। आयु सबकी आपके संस्कारों अनुसार निश्चित है, और ये गिला बंद कीजिए कि भगवान ने क्या किया है। कोई 5 साल कोई मां के पेट में मर जाता है, कोई 5 साल के बाद मर जाए, कोई 10 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद। हाँ, क्यों? उसकी संस्कार ही इतनी, कामना इतनी थी। ये जो गाड़ी के डब्बे में बैठे हुए हैं, हाँ, तो बड़े गौर से 2-4 व्यक्ति देख रहे हैं, अरे भाई तुम छावनी से बैठे थे ना, बाला छावनी से। हाँ, तुम ये अगले स्टेशन उतर रहे हो, हम तो अमृतसर से आ रहे हैं, तुम्हारी कामना दिल्ली तक जाने की है, हमारी कामना इसी स्टेशन तक आने की है। देख लो, अभी गाड़ी में बैठे थे, 10 मिनट बैठे तो उतर गए, कोई 15 मिनट बैठा उतर गया, गाड़ी जा रही आगे तक, राजधानी तक। कोई घंटा बैठा, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 10 घंटे सफर कर रहा है, तो सबका निश्चित है, अपने मन में रखा हुआ है कि हमने वहां पहुंचना है। इस तरह सबके संस्कारों अनुसार, अरमानों अनुसार आयु भगवान ने निश्चित कर दी है। बिठा लो सजनो, बिठा लो। इसलिए संसार की कोई चीज उत्तम ऋषिवर नहीं कहते, क्यों? चूंकि ये जाने वाली है, जो चीज नाशवान हो उसको उत्तम नहीं कहा जाता। ध्यान देना, ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, जो चीज जाने वाली हो उसे नहीं उत्तम कहते, मन में बिठा लो। मेरा बारंबार यही कहना, ये पुरुषार्थ, ये मेरी प्रार्थना है। सदा रहने वाले तो वो है जिन्होंने सृष्टि बनाई है, और बना के अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, वही जात कौन सी जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है, जो सर्वव्यापी है, और उन्हें अपने में से सृष्टि प्रकट की है, और सृष्टि थोड़े दिन रह करके बस अपने तत्वों में समा जाती है। 5 तत्वों से हम आए, ये पुतले आए हैं, 5 तत्वों में समा जाती है, लेकिन बाबा सृष्टि तो भरपूर नजर आती है, इसलिए हाँ वो आगे नहरें जी बने जाती है। एक दिन में मिलिट्री वाले कितनी रिटायर हो जाती है, एक दिन में भारतवर्ष में, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, दर्जनों रिटायर होते एक दिन में, बल्कि सैकड़ों रिटायर होते एक दिन में, लेकिन उधर देखो ना, सैकड़ों भर्ती भी होती आई थी एक दिन में, बड़े बड़े स्टेशनों पर, छावनियों पर भर्ती भी हो रही है, तो फिर घटे कैसी? उन्होंने पहले अंदाजा लगा रखा है कि एक दिन में इतने जाते हैं, उतने ही वो ले लेती हैं भर्ती नए। इसी तरह पुराने जीव यहां से जा रही है, हाँ, तो नए की भर्ती नहीं हो रही, अस्पतालों में देखो पैदा हो रही है, कोई घरों में पैदा हो रही है, कोई अस्पतालों में पैदा हो रही है, कोई जाते जाते जंगलों में पैदा हो जाती है। हाँ, तो पैदा भी तो हुई जा रहे हैं ना, जा भी रहे हैं, पैदा ज्यादा हो रही है। इसलिए भगवान की सृष्टि भरी रहेगी, जब तक भगवान परले नहीं ले आते तब तो सृष्टि ये ऐसी नजर आएगी भरपूर। लेकिन हम लोग जो कल्याणकामी है और इस महीने का खास लाभ उठाना चाहते हैं, यही पक्की रखें, जो था है और सदा रहेगा, जिसने सृष्टि को बनाया है, सुन लो नेक जीवो, मैं अपना धर्म पूरा कर रहा हूं, आप भी धर्म अपनाने का पूरा करना। मैं केवल आप सब देवियों सज्जनों के लिए आया बैठा हूं, भगवान की वाणी के द्वारा आपको राह दिखाने के लिए, कि इस राह पे चलो तो हमारा लोक परलोक बन जाएगा। आप पहले ये भाव पक्का कीजिएगा कि भगवान ने सृष्टि बनाई है और 84 लाख योनियां बनाई है, उन्हीं के दिन मुकर्र है और चला जाना। भगवान जी बनाई जा रही है, सिर्फ बनाने वाली नहीं है, साथ पालन भी कर रही है। रोटी का हीला वसीला भगवान बनाती है। हमारे भगवान क्या है? अन्नदाता, अन्नदाता। भगवान क्या है? एक नामों में एक नाम है, अन्नदाता भगवान है। उन्हें कोई ना कोई हीला वसीला जरिया बना देना है। हमारे यहां कहावत मशहूर है, हीले रिजक बहाने मौत। भगवान कोई हीला बना देंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, क्योंकि भगवान ने चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, देना 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 जरूर देना है। क्या कहा? चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, हर सुबह शाम मालिक ने देना है। क्यों? वो अन्नदाता है ना। मतलब क्या? कि वो सृष्टि बना भी रही है और साथ जीवों का पालन भी कर रहे हैं। ये दो बातें जरूर बिठा, कोई चिंता नहीं, भगवान ने कोई ना कोई साधन बना देना है, कोई ना कोई साधन बनाएंगे। वो देखिए, अनुभवी महापुरुष अनुभव करके हमें कितना अच्छा बता रहे हैं, प्रभु देता है भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता काठ में है, काठ के अंदर घुन लगा पड़ा है, अंदर रहता है, वहां भी भगवान खुराक दे रहे हैं। प्रभु देता है भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता काठ में है, फिर चिंता अकारत है करनी, जब डोरी उनकी
हाथ में है। त्रिलोकी की डोरी त्रिलोकी नाथ के अपने हाथ में है, जैसे चार घोड़ों की बग्घी की डोरी ड्राइवर के हाथ में होती है, पार्थी के हाथ में होती है। हाँ, इस तरह भगवान के हाथ में सबकी डोरी है, कोई चिंता नहीं। पुरुषार्थ तो भगवान ने हमसे करवा लेना है, हम पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थवादी हम भाग्यवादी नहीं, गीता के प्रेमी, गीता के अनुयायी पुरुषार्थवादी, पुरुषार्थ को मानने वाले हैं। भाग्य को वो अपनी पीठ के पीछे रखते हैं, कह मेरी तक मेरे भाग्य मेरे पीछे रहो, ऐ मेरे पुरुषार्थ मेरे हाथों में रहो, ऐ मेरे पुरुषार्थ मेरे फेफड़ों में रहो, ऐ पुरुषार्थ मेरी बुद्धि में रहो, ऐ पुरुषार्थ मेरे खून के एक एक कतरे वाणु है उनमें रहो। हम पुरुषार्थ करेंगे। इधर भगवान मेरी और आपकी पीठ ठोक रहे हैं और फरमा रहे गए बचेगा गुनाहों से दो आत्मा, चल पुरुषार्थ कर पापों से बच जाएगा। इसी अवस्था में कहा गया है बेकार आदमी का मन शैतान का कारखाना, बेकार जो कुछ करता नहीं, बैठा है कभी काम, कभी काम आएगा, कभी क्रोध आएगा, कभी मुंह आएगा, कभी लोभ आएगा। जो अपने जाप में है, स्वाध्याय में है, अपनी कमाई में लगा हुआ है, अपने कोई और कर्म कर रहा है तो मन उसमें लगा रहता है। कितना अच्छा कहा गया, बेकार आदमी का मन शैतान का कारखाना, कोई ना कोई शैतानी बेकार आदमी को सोचती रहेगी। और जो लगा हुआ है तो हमारे प्रभु कह रहे गए बचेगा गुनाहों से दो आत्मा, चल जुट जा लग जा, चल मैं तुझे ताकत दूंगा जुट। तो गीता पुरुषार्थ का उपदेश देती है मेरी देवियों। तो इस संसार में उत्तम कौन जो सदा रहे, उत्तम कौन जो सृष्टि बनाए, उत्तम कौन जो पालन करे, और अखीर में क्या होता है सारी सृष्टि को भगवान अपने में यूं ले लेते हैं अपने अंदर। कैसी, क्योंकि बनाने वाले पाले वाले वही है। कभी मदारी का खेल अगर बचपन में देखा हो, बाल्यावस्था में अगर आपने ये देखो मदारी वाले खेल, उसकी एक पटारी होती है, उसके पास इतनी सी बनी होती है घास फूस की पटारी। अच्छा, अगर आप कुछ और शब्द बोलती हो तो क्षमा चाहता हूं, मैं तो बचपन से यही सुनता आया हूं मदारी वाले की पटारी। तो पटारी से चीजें निकाल देता है, खोलता है और मुरली निकल आई और डमरू निकल आए और कोई झुर्रू निकल आया और बतेरे बतेरे जो जो चीजें उसने बनानी है ये कागज निकल आए, वो मुंह में खा जाता है और निकालता ही जाता है। पटारी में कितनी चीजें निकाली उसने और हमें तमाशा दिखाया, हमें मोह लिया और हमारी जेबें खाली करवा ली। किसने आना दिया, किसने रुपया दिया, किसने दो रुपया दिए, खूब इकट्ठे किए उसने। तो फिर उसके बाद जब खेल खत्म हो गया तो क्या हुआ, जो चीजें बिखेरी थी सब पटारी में डाली। हाँ, और कपड़ा बांधा पटारी को रखा पीठ के पीछे अगले चौराहे पर, औरों को तमाशा दिखाना या बुद्धि बनाने चला जाएगा। भगवान क्या करती है, सारी चीजें बना के उनके कर्मों को खिंचवा के संस्कार खत्म करके संसार रूपी पटारी अपने में ले लेते हैं। तभी आप समझोगे जगह मदारी की पटारी सामने रखे, तमाशा दिखाया, पटारी में चीजें निकाली और फिर पटारी में डाल के चले। ये भगवान ने सृष्टि बनाई, खेलते रहे, भगवान इनका प्रबंध करते रहे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सब चीजें अपने में ले ली। सारे प्राणी को पांच तत्वों में गला दिया, पांच तत्वों को फिर अपने में, धरती को पानी में गला दिया, पानी को जो गला दिया सूरज में, सूर्य को वायु में, वायु को आकाश में और आकाश को अपने साथ में। ऊपर से नीचे बनती है, पहले आकाश बनता है, फिर पवन बनता है, फिर सूर्य बनता है, फिर जल बनता है, फिर पृथ्वी। और जब प्रलय आती है तो पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को सूर्य ले जाता है, सूर्य को वायु खींच लेती है, वायु को आकाश अपने में मिलाता है और आकाश को भगवान जी अपने में ले, प्रलय आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि भगवान सृष्टि बनाने वाले, भगवान सृष्टि का पालन करता और भगवान सृष्टि का संहार करता। ओ इंसान, और ये खासकर 15वां अध्याय बार बार कहता है, एक बार जान तो सही, अनुभव तो कर, मालूम तो कर। सारा दिन शरीर की बातें, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी अपने बेटे बेटियां और मिलने जुलने वालों की बातें, सारा दिन उन्हीं मामा चाचे की बातें, वही उसी में लगे रहे। थोड़ी देर बैठ के इन शरीर को चलाने वाले घोड़े अर्थात परमात्मा की बातें भी करें। ऐसे स्थान इसलिए बने होते हैं कि वो स्थानों में तो हमेशा शरीरों की चिंता और शरीरों का चिंतन, राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। ऐसे स्थान रब ने बनाए थे कि जो नेक जीव होंगे, सतोगुण जिनमें अधिकता होगी, वो कुछ असलियत की बातें करेंगे, कुछ अपने भगवान के बारे में सोचेंगे, कल्याण के बारे में सोचेंगे, अपने अवगुणों को जानेंगे कि मेरे दुख का कारण अवगुण है, मेरे दुख का कारण मेरे में कमजोरियां हैं, इसलिए मैं शारीरिक मानसिक और पारिवारिक दुख में मुबतला हूं। अगर इन दुखों से छूटना चाहता हूं तो मुझे हटकर अपने भगवान की ओर जाना पड़ेगा। जो अपने ही मुंह से वही हुई कोई पाठ पढ़ा रही है, इतने दयालु प्रभु तो कह मुझको परमेश्वर की अमा किया। ये इसी अध्याय के अंदर भगवान हमें पाठ पढ़ाते हैं, जैसे प्राइमरी क्लास में हमारे मास्टर जी ने हमें पाठ पढ़ाया था, कैसे हटाते थे, बोलो बेटे क ख ग क ख ग, फिर बोलो बच्चे, फिर बोलते बच्चे, बड़ा खुश होते, शाबाश आज तो पता लग गया, चलो लिखो ब्लैक बोर्ड पर ऐसे का नहीं, ऐसे नहीं, डंडा यूं खिंच के। इसी तरह भगवान जी हमें पाठ पढ़ा रहे गए,
तो क्यों नहीं दिल से बोलता, भगवान जी बताने वाले हैं, तेरे मन जो इधर लगा रखा है, इन्हें काट, मैं तुझे काटने का तरीका बताऊं। तो देवी ये अध्याय अपने स्थान में बड़ी महत्ता रखता है, जो समझा के बता के दलीलें दे के हमारे मन को चारों ओर से हटा के भगवान में लगाकर ये साबित करना चाहता है, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे दिले हक नजर से, जो माने मुझे, ये हमें ये मना लेना चाहता है कि सारी सृष्टि में भगवान जी उत्तम है, भगवान जी आला है, भगवान ही अफजल या सुप्रीम है। बस जब ये बात आ गई, अब न मेरे कहने की जरूरत है, ना किसी और के, आपका मन अपने आप ही भगवान में लग जाएगा। अपने आप जब तक सब कुछ तूड़ी का सारी जितनी चहल पहल संसार में है, शरीर में है, परिवार में है, गली मोहल्लों में है, केवल भगवान जी की सत्ता के कारण से, समझो समझो समझो, केवल भगवान जी के कारण से। अच्छा, ये जितनी भी सत्ता महत्ता है केवल भगवान जी के कारण से, ये बात इस महीने में तो बिठा लो, जितनी चहल पहल है किसी और कारण से नहीं, भगवान के कारण से, जो अपने मुख से बार बार कह रहे हैं, दरअसल होती है मेरी ही दाद, ये दरअसल होती है मेरी ही दाद, उन्हीं के कारण से सब कुछ है। बस अब हमारा मन क्या बचा, भगवान की ओर झुक गया, इसी भक्ति कहती है, भगवान के विचार लग गए इसी भक्ति कहती है, भगवान का चिंतन लग गया इसी शुद्ध एवं पवित्र प्रेम कहती है, भगवान के अतिरिक्त मन और कहीं लगता है इसे ही अनन्यता कहते हैं, एकाग्रता कहती है, पवित्रता कहती है, ओई हुई 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 हुई, यही है पवित्रीकरण। इसके बाद तो जीव का मन एकाग्र हो गया। हम जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं मेरे देवियों सज्जनों, केवल अपने मन को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, निर्मल करने के लिए। अच्छा, वह इतना ही हमने करना और कुछ नहीं। क्या मतलब, जो अज्ञानता में, बेसमझी से, नालायकी से, मूर्खता से हमने अपने मन को खराब किया, मन पर दूषित संस्कार डाल लिए, याद रखना केवल उन्हीं को तो धोने आती है। ऐसे स्थान विशेषकर गीता जी का श्रवण करना, सुनना, मनन करना केवल अंतःकरण की धुलाई के लिए है, और हमने करने को आत्मा पैदा करनी नहीं, आत्मा है, अंतःकरण भी है, दूषित है, खराब है, मैला है, उसी को धोने आ जाते हैं भगवान की वाणी, भगवान के ज्ञान से। जब ऐसा ज्ञान मिला, वह जो अज्ञानता के आधार पर हम कर रहे थे अब नहीं हो सकते, बल्कि रोएंगे, पश्चाताप करते हैं, नहीं नहीं प्रायश्चित करते हैं कि ये मैं क्या करता रहा, ये मुझसे क्या भूली होती रही, लख लानत मुझे, मैं अपने साथ ही व्यय कमाता रहा। सचमुच भगवान ने कितना जोरदार शब्दों में मैं जगाया, ये कहकर वो दुश्मन आए अपने लिए सर्वसा, वो बिल्कुल अपने साथ दुश्मनाई कर रहा है, वो अपने साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार अपने साथ, हम खुद ही, हाँ हमें मालूम ना था कि हमें बुद्धि मन और तन जो तीन अंग भगवान से, ये उपकरण भगवान से लाए गए, भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार चला रहे हैं। काश के ये बात माँ जी बताते, काश के पिताजी और प्रभु जी बताते, या स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये गीता शिक्षा अनिवार्य मानी जाती। हमारी बदकिस्मती, किसी ने यह असर की बात समझाई नहीं, जो मिला राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें करके हमारे में बेचैनी पैदा करने वाला तो मिला, पर हमें सीधी राह दिखाने वाला, भगवान की ओर ले जाने वाला कोई नहीं मिला। भगवान की अब कृपा होगी जिन्होंने ये सारा वातावरण बना दिया आपके अच्छे संस्कारों के अनुसार। जैसे रजोगुणियों के लिए भगवान ने लाखों रुपए लगा के सिनेमा हॉल बना दिए, तमोगुणियों के लिए दिन प्रतिदिन शराब के ठेके खुलते जा रहे हैं, जो आपके लिए बिल्कुल एकांत शहर के शोरगुल से बड़ा दूर ये सत्संग भवन बना दिया, जहां एकांत में बैठकर आप अपने कल्याणकामी भगवान की बातें सुनो, हितैषी भगवान की बातें सुनो, और उसका फिर रियलाइज करो कि यही तो मैंने करना है, यही तो मैं चाहता हूं, ऐसी खुशी जो गम में न बदले, और नाना प्रकार के दुखों से छूटना, आवागमन से निकल जाना, और यही मेरे भगवान कह रही है। इस ज्ञान में तू रहेगा तो खुशी से रहेगा, इस ज्ञान में शरीर छोड़ेगा दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। अब आके सारी गुथियां सुलझ जाती है, ओ मेरे देवियों, अब किसी प्रकार की कोई पेचीदगी या कॉम्प्लिकेशन या जटिलता नहीं रहती है, इरादे में जटिलता, व्यवहार में जटिलता ना, अब बिल्कुल हम सरल बन जाते हैं, विरलता गई, सरलता ने आकर के हमें पकड़ लिया, अब जिंदगी के दिन आराम से कटते हैं, जबकि रग रग में भगवान जी की ध्वनि निकलेगी, जब हमारे जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य, जैसे अभी अपने पावर होती डाली है 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक की, जो मकसूद आला समझ ले मुझे,
वही भक्त गए सबसे, जो उनके जीवन का उद्देश्य यही बन जाता है कि यही इसी में सब कुछ है। हमारे जीवन का एम ऑफ लाइफ या टारगेट ऑफ लाइफ भगवान जी, इसी में सब कुछ है। ये नहीं बताया गया कि महाराज जी के उपदेश को अपनाने में महाराज जी भी मिल जाते हैं और संसार भी मिल जाता है। ये सिद्धांत हमें बताया जाना चाहिए, या एकांत में बैठ के बार बार इस सिद्धांत पर विचार करके मनवा तेरा लोक परलोक बनेगा इस सिद्धांत के अनुसार, जहां है कृष्ण मीरपा। और भगवान को हमेशा के लिए अपने मन में कैसे बिठाते हैं, भगवान के उपदेश द्वारा, जैसे उन्हें विधि बताई है विधि पूर्वक अर्थात गीता के उपदेश के अनुसार, उनके अनुसार बुद्धि को बनाती है, मन को बनाती है, कर्म करती है, अंतगण निर्मल होता है, भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाती है। बल्कि मुझे यूं स्पष्ट कह देना चाहिए, हमारा अंतगण भगवान के रहने की बैठक बन जाती है। जैसे आपने घर घर में अपनी सुंदर बैठक बना रखी है आने जाने वालों के बैठने के लिए, अपने विश्राम करने के लिए, कितनी सुंदर बैठक है। इस तरह अंतःकरण सुंदर बन जाता है भगवान के भक्त का, और सब अवांछनीय तत्व सदा के लिए भाग जाती हैं। जितनी भी अनवांटेड बैड क्वालिटी थी सब सदा के लिए गोविट गॉन, और आपका अंतःकरण गुणों से भर जाता है। जैसे आजकल के समय में आप अपने ड्राइंग रूम को सजाते हैं डेकोरेशन से, डेकोरेटेड पीस लेकर के स्कूल सजाया जाता है, इसी तरह हम लोग भगवान द्वारा बताए गए 12वें अध्याय के गुणों को अपने अंतःकरण में यहां तहां वहां सजा देते हैं, वो स्थान भगवान की बैठक माना जाता। भगत का साफ हृदय भगवान की बैठक है। अनुभवी ने कितना अच्छा अनुभव करके बताया, भगत का निर्मल हृदय भगवान की बैठक है, याद रखना। इसी तरह उन्हीं के नक्शे कदम पर हम बढ़ रहे हैं मेरे देवियों, और ये महीना जो है मुबारक हो, जो लगातार हम इस तरह सुन के जाप करके, जाप का मतलब भगवान का सिमरन करके और नाना प्रकार के पुण्य करके अंतःकरण को निर्मल करने के लिए, इस महीने में पुण्य इसी तरह काम आते हैं, सत्संग या जाप या भजन या प्रातःकाल उठना या दान जो भी आप करें। जैसे आप अपने आंगन में कमरों में सवेरे सवेरे बुहारी देते हैं, क्यों, उससे पहले दिन भर में कोई आया कोई गया, कोई मिट्टी आई, कैसे गंदा हो गया कमरा, बच्चों ने खराब कर दिया, आप बुहारी लेके आप 12-14 घंटे का गंध निकाल देते हैं। इस तरह जन्म जन्मांतरों का गंध जो अंतःकरण में आ गया है, जी भगवान का नाम लेकर या ये नाना प्रकार के पुण्य करके अंतःकरण की सफाई हो रही है। बुहारी काम देती है घर को साफ करने के लिए, पुण्य काम देती है, शुभ कर्म काम देती है अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। और भला हो व्यास जी का बड़ा भारी उपकार जिन्होंने इस महीने में ये तत्व भर दिए, ये सारे गुण इस महीने में दे दिए कि इस तरह करते जाओ और अपने अंतःकरण को निर्मल कर लो, क्योंकि शरीर के दिन भी तो एक एक करके गुजरता जा रहा है, ये हमने कभी नहीं भूलना। पहले बुद्धू बने रहे, ये बातें याद करने योग्य थी, उल्टी पुल्टी बातें याद कर ली, ये नहीं याद किया कि एक एक दिन मेरी अनमोल जिंदगी का जा रहा है और इस दुनिया में सोचने विचार करने वाले केवल भगवान जी है। अब हमें याद रहेगा कि वो आखिरी दिन आने वाला है, ताकि मैं अपने मन को जल्दी जल्दी जोड़ दूं अपने उस असलियत के साथ, जिसके लिए रब कह रहे हैं यही एक हकीकत है, बाकी सब थोड़ी देर अपना तमाशा देखकर दिखाकर चले जाएंगे। तो आप जैसे दाना प्रभु के चिंतन में रहती हैं, आप जैसी दाना मेरी बेटियां भगवान के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि और अपने मन को ढाल लेते। गीता में एक नहीं अनेक बार भगवान आह्वान कर रहे गए, फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, फिदा मुझ पे कर, अपनी मन और बुद्धि मेरे में लगा, चुके हम कल्याण के भगवान रजोगुणी को तो नहीं कह रहे, तमोगुण को ये उपदेश नहीं दे रहे, सतोगुणी कल्याण कामियों को उपदेश दे रहे हैं कि अपनी मन बुद्धि में और संसार ना रख। संसार क्या है, संसार धोखा देने वाला है, इस वक्त संसार आपके अनुकूल है, चंद दिनों के बाद ये प्रतिकूल हो जाएगा। इस समय जो वातावरण है आपके प्रिय है, लेकिन चंद दिनों के बाद इसमें परिवर्तन होके रहेगा और आप प्रिय हो जाएगा और आप बहुत दुखी होंगे। अगर ये संसार एक जैसा रहता आपको सुख देता रहता, तो संसार का स्वभाव है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, घर के हालात, गली मोहल्ले के हालात, अपने शरीर के हालात, अपने मन के हालात हैं, अपने मिलने जुले वालों के हालात, जहां जब भी आपका संपर्क है ये वातावरण सदा नहीं रहता, इसमें परिवर्तन होता है। नादान आदमी ये सोचता नहीं, पूर्ण रूप में डर्रा मार लेता है एक के ऊपर, फिर बाद में रोता है, क्योंकि उसी से प्रगट हो आखिर में दुख, वहीं से दुख निकलता। गोबर आपने 2 दिन नहीं उठाया, हाँ तो कीड़े आकाश से आएंगे क्या, उसी गोबर में कीड़े पैदा हो जाते हैं, ओए ओए ओए, उसी गोबर में कीड़े पैदा हो जाएंगे, बहुत सही कीड़े पैदा हो जाएंगे। वाह, इस तरह आज जो हालात हमारे बड़े अच्छे गए मीठे गए, इन्हीं में से दुख प्रकट हो जाता है, यही हमारे उल्ट हो जाते हैं।
आज हालात प्रिय हैं, लेकिन भगवान कहते हैं अप्रिय हो जाएंगे। इसलिए दाना आदमी, विचारशील विदुषी मेरी देवियां अपना मन केवल भगवान में जोड़ती है। संसार में व्यवहार करती हुई तो नजर आती है, लेकिन मन को उलझाते नहीं, फंसाते नहीं, उनका मन केवल अपने प्रभु में जुड़ा होता है। ये अध्याय आपको बताने जा रहा है, समझाने जा रहा है, दृष्टांत क्या दे रहा है इसके अंदर, चलो जरा आगे। ये संसार एक पीपल का वृक्ष है, थोड़ा सा आइए पाठ ले लो। कल भी लिया पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है इस अध्याय को, थोड़ा सा आज प्रकाश डाल दिया मैंने, दृष्टांत दे करके समझा रहे, एक बच्चा भी समझ जाएगा। ये संसार एक पीपल के वृक्ष, ये पीपल आपका बाहर कितना विशाल होता जा रहा है, लेकिन ये निराला वृक्ष है, इसकी जड़ें कहां है, धरती के गर्भ में, और संसार की जड़ें ऊपर है, नीचे इनकी टहनियां पत्ते बूर डालियां फूल और फल, ये नीचे उल्टा है ये संसार का वृक्ष। कैसे जड़ क्या होती है, जो सारे वृक्ष को शक्ति दे, सारे वृक्ष का विकास जड़ से होता है। तो इस संसार की जड़ क्या है, इतनी बात पता लग गई तो कल्याण हो गया। इस संसार की जड़ जिससे सारा संसार विकास कर रहा है भगवान जी, इसलिए इसकी जड़ सर्वव्यापी रूप में है। जड़ें ऊपर दिखाई गई है, तले डालियां, इसकी ब्रांचेज इसकी शाखाएं तले दिखाई गई है। तो जड़ होगी तो वृक्ष भी विकास करेगा, सुंदर बनेगा। आहा, अब हमारे सोचने का ढंग बदला, हमारे सोचने की प्रणाली में देवी और भला हो, महर्षि वेद व्यास से बड़ा भारी उपकार मेरा आप पर। मन ने विचार ही करना है, गंदे बंदे विचार के करे, काम के क्रोध के मोह के लोभ के अहंकार के दुश्मनी के, इतनी बात आज ले लो। जब विचार ही करना है तो भगवान की विचार, मैं आपको कह रहा हूं, रजोगुणी को नहीं कह रहा, मैं तमोगुणियों को कह रहा, पाप है भगवान कहते ना, खुद प्रभु रोकते, उनको अभी समय नहीं आया, आपको समय आ गया। आहा, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये कहा है मेरे प्रभु ने, जो मेरे प्यारे भक्तों को मेरे ये ज्ञान का उपदेश दिया करेगा, ज्ञान समझाया करेगा, आप इसकी अधिकारी और अधिकारी है। मैं इतनी सी बात आज बिठाइए कि भगवान ये सृष्टि में उत्तम है, मैं उन्हीं का चिंतन, उनका चिंतन मैंने नहीं करना, किन का जो जन्म लेके चंद रह के मर रहे गए। मैं हाथ जोड़ के गीता के हाथ में लेकर करूंगा, मेरा यह बैठकर सफल कर लो, इतना ही मन में पक्का कर लो इस पावन दिवस में कि मैंने उसका चिंतन नहीं करना जिसके सिर पर काल मुंडरा रहा है, जैसे हेलीकॉप्टर यहां मंडराया करता है, जो जगह नहीं देते उतरने की, क्या अभी खाली नहीं है अड्डा, तो फिर वो इधर आके मंडराते रहते, फिर पूछते आए नहीं। इसी तरह हम सारों के सिरों पर काल मंडरा रहा है, और भगवान कह रहे अभी नहीं, अभी इनकी आयु है, मंडराते रहो ऊपर, और जब आयु हमारी खत्म हो जाती है तो ले जाता है हर एक प्राणी, क्या देखने में अणु है या परमाणु है, और क्या देखने में भारी भरकम हाथी है, समय पर सब चले जाएंगे। इसलिए दाना कहती है, भगवान कहते हैं दाना कहां, इससे कुछ काम है, दानादी पर इनका चिंतन, इनसे व्यवहार करेगा, प्यार करेगा, इनकी सेवा करेगा, इनसे जितनी बार पड़ेगा इनके ऊपर इनके काम आएगा, लेकिन इनका मन में चिंतन नहीं करेगा। मन में चिंतन किसका, उस भगवान का, क्यों, उन्हीं के चिंतन करने से अच्छे गुण आ जाते हैं, क्योंकि जिसका चिंतन करोगे उसके अंदर गुण अवगुण जो है वो हमारे हो जाएंगे। इतनी बात कहता हुआ मैं आज खामोश हो रहा हूं। जिसका भी आप चिंतन करेंगे उसमें जो कुछ उसके अंदर है गुण और दोष आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, अब भगवान के चिंतन करने में भगवान में दोष कोई नहीं, गुण ही गुण है, तो जो बारहवें अध्याय भगवान ने बताए हैं वो गुण हमारे में अंदर आ जाएंगे। वाह वाह, और भगवान का चिंतन करने से हमारा मन ठंडा रहता है, क्योंकि जब जितने गुण जूजू गुण आएंगे, याद रखना जूजू गुण आएंगे मन शांत रहेगा, जूजू संसार का चिंतन करके अब गुण आएंगे काम आएगा, क्रोध आएगा मोह आएगा, हमारा मन बेचैन रहेगा, हमारा मन बेकरार रहेगा। अच्छी संगत करेंगे तो वो हम लोगों को गया किसी ने घर के अंदर वो फल रख देंगे आपके आगे, बुरे आदमी के पास जाएंगे वो अंडे रख देंगे, उनकी फ्रिज में अंडे हैं, हाय मेरे रब्बा, उन्होंने परसों मांस पकाया था और फ्रिज में रखा हुआ गर्म करके आपको देंगे। वो गंदे आदमी गंदी चीजें रखेंगे, भले आदमी फल और दूध आपके आगे रख देंगे। अगर प्रभु का चिंतन करेंगे तो वो गुण आपको देंगे अपने अंदर, संसार का चिंतन करेंगे तो ये अंडों की तरह अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे, जिससे इंसान का पढ़ लिखा इंसान इस बात को सोच नहीं रहा। जो जब नेगेटिव क्वालिटी आती है उससे बेचैनी, और अगर गुड क्वालिटी आ जाए तो उससे चैन और करार और मन शांत। इस जिंदगी कितनी अच्छी कटेगी शांति से, और भगवान का चिंतन करने से कामना कोई उठती, वास्तव अपना कर्तव्य कर्म करती है। इस हाल में मौत आए, अगर इस अवस्था में शरीर छूट गया फिर जीव आगमन में नहीं आता। एक तो जिंदगी शांति से कट गई भगवान का चिंतन करने से, और गुण भी आ गए, और गए तो हमेशा के लिए गए, चुके अरमान लेके नहीं मोहे, कोई कामना लेके नहीं मोहे। 15वां अध्याय इस तरह दृष्टांत आगे दे करके समझाएगा और हमें बता देगा। इसलिए भगवान ही उत्तम है,
नाम क्या रखा इस अध्याय का? पुरुषोत्तम। इस सारी त्रिलोकी में, सृष्टि में नहीं त्रिलोकी में भगवान ही उत्तम है। हम तो उनका चिंतन करेंगे, भले हम घर में रहे, भले हम दफ्तर में रहे, भले हम कोई कारोबार कर रहे हूँ, भले मैं एकांत में बैठ करके गीता जी पढ़ रहा हूँ या जाप कर रहा हूँ, भगवान का चिंतन करेंगे। ले गया बाजी जिसने ये बात जान ली, उत्तम का चिंतन करूंगा, मरने वालों का चिंतन नहीं करूंगा। चाहे मेरे पिताजी हो, माता हो, उनकी सेवा करूंगा, पति है पत्नी है उनकी सेवा करूंगा, उनका चिंतन नहीं करूंगी। हो गया बेड़ा पार। यही भगवान ने गीता जी में कहा, जी मैं आपको सच्चाई की बात कह रहा हूँ, सदा मेरा पेहम तो मिलना मेरा उसको आसन। वो भगवान के काबल, कल्याण के काबल, और दूसरे जो जहान का, वो जहान के काबल, क्या बेचैनी के काबल। रोती आए, रोते रहे, आखिर में जब कार आया, रो रो के मर गए। कोई जिंदगी है? गंदा जीवन। रोती आए बाबा, रोते रहे, आखिर में तलियां मरते हुए चले गए, और भगवान के प्यारे रोते आए, हंसते रहे, हंसते हुए चले गए। कितना अच्छा जीवन उनका। मेरी देवियों, मेरे सजनों, पक्का करो और घर जाओ कि मैंने भगवान के इस पुरुषोत्तम मास में, इस अपने कार्तिक पावन मास में मैंने केवल भगवान का चिंतन करना है। स्वभाव बन जाएगा आपका, लोक परलोक बन जाएगा, धर्मस्थान में आना आप सबका सफल हो जाएगा। ये अध्याय में बड़े तरीके से ये सहमत करेगा, मना लेगा कि भगवान ही चिंतन करने योग है। जहान में तो पुरुषार्थ करना है, तो उनका चिंतन नहीं करना। फिर आगे दृष्टांत दे के ये अध्याय शुरू होता है। हम लोग विचार करेंगे, आज इतना पाठ लीजिए कि मन द्वारा चिंतन करने योग केवल भगवान जी हैं। अगर मैं अपना कल्याण करना चाहती हूँ, अगर मैं कल्याण करके रहना चाहता हूँ, कल्याण करके इस जहान को छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं अपने चिंतन में भगवान को रखूं, क्योंकि वो उत्तम है। दलील देखिए भगवान दे रहे, वो उत्तम है क्योंकि वो जड़ है, इस संसार की जड़ है, जिसकी ऊपर। अब आगे दृष्टांत देंगे, मैं आपको समझाऊंगा क्यों भगवान का चिंतन करना। मैंने बता दिया आपको सार रूप में, आगे भगवान वृक्ष का दृष्टांत देंगे कि जो संसार की जड़ है उसका चिंतन करो, टहनियां पत्तों का नहीं। टहनी पत्ते कमला जाते हैं पर जड़े तो रह जाती है। भले आपका वृक्ष जड़े कर देते, लेकिन भगवान जो संसार की जड़ है वो नहीं कटती, वो हमेशा रहती है। ओ देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सजनों, भगवान का चिंतन जिंदाबाद, भगवान का चिंतन जिंदाबाद, भगवान का चिंतन, आय हाय इनकलाब जिंदाबाद। शानदार इनकलाब आ जाता है हमारे अंदर, शानदार परिवर्तन आ जाता है हमारे अंतःकरण में, हमारे विचारों में, हमारी बुद्धि में, हमारे व्यवहार में। वाह, जब हम ये दिन निश्चय कर लेते, मैंने केवल अपने भगवान का चिंतन करना, इसी में मेरा लोक बन जाता है, परलोक बन जाता है। जो सदा रहने वाली जात है, मैंने उसी का चिंतन करना, और के साथ व्यवहार करूंगा, लेकिन ख्यालों की दुनिया में मैं केवल भगवान को लाऊंगा। मुबारक इस नाते से ये पुरुषोत्तम योग पंद्रवा अध्याय जो हमें स्याना बना देता है, नेक रह देता है, हमारे अंदर पूर्ण रूप एक शानदार परिवर्तन ले आता है। हम अपना जहान लोक भी बना लेते हैं, परलोक भी बना लेते हैं। मुबारक मुबारक ये पावन कार्तिक मास का इस तरह प्रारंभ होना, जो हमें भगवान की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगा, भगवान का प्यारा बनने की प्रेरणा देगा। अपने अंदर से जो गलाजत है, जो अशुद्धता है, वो दूर करेगा, और हम अंतःकरण को इस महीने में अवश्य में भगवान की वाणी सुनकर निर्मल करेंगे। मुबारक इस पावन कार्तिक मास में ये पुरुषोत्तम योग पंद्रवा अध्याय। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभो इष्टदेव भगवान तिष्ठा की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, सबका कल्याण करना मेरे दुलारे प्यारे प्रभु जी, मेरे उदार प्रभु जी, ऐ मेरे समुन्दर दिल प्रभु जी, सबका कल्याण करना। कलयुगी ग्रस्त आश्रम में रहने वाले, ज्यादा इनसे उम्मीद ना रखना, मेरे चांद मेरे से उम्मीद रख लेना, इनसे ना रखना मेरे प्रभु, इनसे इतना ही कि जाप करे और आपका चिंतन करते रहे, आप इनका इसी में कल्याण हो जाए, इतने उदार बन जाना जैसे व्यास जी ने लिखा है मेरे प्रभु। हार्दिक आशीर्वाद।